हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.9 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कर रहा है? टू ईयर है वो। ए फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 10 ईयर लेटर हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू में एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू में वाई ईयर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है? टू ईयर एगो, देखिए एक तरफ एक्स लिख दो, एक तरफ वाई लिख दो, यानी कि ये प्रेजेंट एज है फादर का, ये प्रेजेंट एज है सन का। टू ईयर है वो, तो दोनों में से टू सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फादर वाज फाइव टाइम्स द एज ऑफ द सन, है ना, फाइव टाइम्स है इसका। चलिए एक्स माइनस टू इक्वल टू में फाइव वाई माइनस का 10। इसको इधर लाएंगे तो एक्स माइनस का 5 वाई, ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस 8 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, एंड नाउ देखते हैं अब आगे। टू ईयर लेटर, यानी कि दोनों में टू ईयर बढ़ा देंगे, एक्स प्लस टू और वाई प्लस टू। His age will be 8 more than 3 times the age of the sun. इसके 3 times से 8 more than. X plus 2 equal to में 3y plus का 6 plus का 8. इसको इधर लाएंगे तो x minus का 3y, ये जाकर उधर subtract हो जाएगा, ये आपका 14 होगा, 14 में से 2 subtract कर देंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा। इक्वेशन सेकेंड, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। From equation फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस 8 और यहाँ पे है x माइनस का 3y इक्वल टू में 2y। चलिए अब यहाँ पर हम लोग साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये यहाँ कट जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू में माइनस का 20। माइनस माइनस काट देंगे, इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो y का वैल्यू 10 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, x माइनस 3y इक्वल टू में 2, x माइनस का 3 y की जगह पे यहाँ पे 10 रख देंगे इक्वल टू में 2, x माइनस 30 इक्वल टू में 12, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 12 प्लस में 30, यानी 42 आ जाएगा, यहाँ पे यही ना आ जाएगा 42। तो अब नीचे यहाँ लिख सकते हैं, देयरफोर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू में 42 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू में 10 ईयर्स हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर